हेलो एवरीवन, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया क्योंकि मैं अब तक स्टेबल या अनस्टेबल का जो टॉपिक था पूरा वो कवर करा चुका हूँ। मतलब जिस उससे रिलेटेड जितना भी बेसिक फंडा था वो करा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, तो उससे सबसे पहले मैंने यही एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये आज का अब तक तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो क्या सॉल्यूशन है? क्वेश्चन था एक, ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए कॉन एंड अंडरलाइंग हेमीस्फियर। द बेस ऑफ द कॉन एंड द टॉप ऑफ द हेमीस्फियर हैव द सेम रेडियस ए। ठीक है, जो टॉप है उसका कौन का जो टॉप है और हेमी स्फीयर का जो टॉप है, सॉरी बेस का कौन का जो बेस है और हेमी स्फीयर का जो टॉप है वो सेम रेडियस रखता है। ठीक है ना, होल बॉडी रेस्ट ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल विद द हेमी स्फीयर इन ए कॉन्टैक्ट विद द टेबल। ठीक है, सो दैट द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द कॉन, ठीक है, ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द कॉन, देख लीजिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे, कि फॉर द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द कॉन, इस तरीके से कोई मैंने कॉन ले लिया एंड इसको मैं ड्रॉ करूँ तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल टेबल पे पुट कर दिया। इसको मैंने यूँ ड्रॉ किया एंड इसका ये रेडियस हो गई, इसकी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसकी ये सी G1 से रिप्रेजेंट की इसकी कॉन की, और इसकी जो होती है सी G2 से रिप्रेजेंट करी मैंने। ठीक है, ये G2 हो गई, ये G1 हो गई कॉन की, ये इसकी रेडियस दे रखी है, वो ए दे रखी है। ठीक है, रेडियस मेरी ए है, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया, ये रेडियस हो गई मेरी। नाउ लेट, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कोई टॉप कोई कौन है और कोई हेमीस्फेयर है, कौन जो है हेमीस्फेयर के ऊपर रखा है, टॉप पे रखा है, इस पूरी वो होल बॉडी को किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे पुट कर दिया गया। ठीक, इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है ना, गिवन रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमीस्फेयर इज ए, ये दे रखा है ऑलरेडी, ये मुझे दे रखा है इज ए। ठीक है, लेट एच बी द हाइट ऑफ द कॉन, ऑफ द कॉन की मैंने टोटल हाइट मानी, वो कितनी ले ली, एच हाइट ले ली मैंने। ठीक है, एड लेट स्मॉल एच बी द हाइट, एच बी द हाइट ऑफ द कॉमन सी जी ऑफ द कंबाइंड बॉडी है कॉन और सर्किल, सॉरी हेमिस्फीयर। ठीक है, उसकी डिस्टेंस एज बी द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द कॉमन सी जी ऑफ द कॉमन सी जी ऑफ द कंबाइंड बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, ये मैंने हाइट ली कहीं इसकी सी जो होगी। अब देखो, जो एज जो होगी मेरी होती है W1 C G1, ठीक है, प्लस W2 C G2 अपॉन W1 प्लस W2। इस फॉर्मूले से अगर कोई कंबाइंड बॉडी है टू, उनको हम इस तरीके उनकी सी जो वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ओके ना, फिर W इज इक्वल टू होता है, W इज इक्वल टू एम जी एम जी एम इज इक्वल टू रो डेंसिटी इन टू वॉल्यूम,
वी वॉल्यूम हो गया मेरा यहाँ पे एंड रो डेंसिटी हो गई, ठीक है। अब देखो, अब मुझे चाहिए W1, W1 मीन्स CG1 इसके लिए कौन, तो इसका जो W1 होगा तो रो एंड वी वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई a² h, बिकॉज ए इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है h, मैंने ऑलरेडी सपोज करके चलाता है कि लेट h बी द हाइट ऑफ द कॉन नाउ एंड रो जी। सिमिलरली रो 2 इक्वल टू 2/3 पाई a³ रो जी, ओके। ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई। अब CG1 देख लेते हैं। CG1 मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इसकी डिस्टेंस कितनी हुई। अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये B2 को कितनी है, ए B2O, ये हुई ए मेरी रेडियस है उसकी सर हेमिस्फीयर की, और A2G1। अब मुझे चाहिए A2G1, A2G1 जो होती है वो होती है मेरी H/4। सर ये चीज़ ना मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है सर, ये चीज़ बता चुका हूँ पहले लेक्चर में, जब इसका अनस्टेबल स्टेबल में पढ़ाया था मैंने, उसमें सी जी को डिफाइन किया है, तो सर मैं बता चुका हूँ ये कहाँ से आया था, ठीक है। उस वीडियो को देख लीजिए सर कहाँ से आया था, मैंने समझा दिया है। इसकी जो कौन के लिए बात करते हैं, A G1 जो होती है मेरी होती है 3H/4 और G1O होती है मेरी H/4, ठीक है। इसका अब मुझे चाहिए क्या, CG1। CG1 मीन्स B2G1, B2G1 मीन्स ये डिस्टेंस, ये इसका मतलब B2O A+O2G1, O2G1 कितनी हुई मेरी, ये हुई H/4, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए क्या, CG2, ये क्या होगी इसकी, ये CG2, ये डिस्टेंस कितनी होती है, इसकी जो CG होती है वो होती है 5/8। सर मैं पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, इसको भी ना पूछें, ठीक है सर। पर पहले लेक्चर पहली वीडियो देख लेंगे मेरी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होती है मेरी ये होती है 5/8 और ये O2G1 होती है, O2G2 होगी वो भी 3/8, ओके। अब मुझे इन वैल्यू की जो ये वाली W1 W2 CG1 CG2 वैल्यू की जरूरत थी मुझे, ये वैल्यू मैंने पुट के लिए यहाँ पे पुट करता हूँ, ओके ना। अब मुझे वैल्यू जो चाहिए चाहिए वो चाहिए मुझे एच की वैल्यू, मुझे निकालनी है एच की वैल्यू गेन करनी है मुझे, ओके। एच तो एच देन H=W1, ठीक है, इसको मैं रख लूँ वन बाई थ्री पाई a² h रो जी, ओके एंड CG1 a+H/4 +2/3 पाई a³ रो जी, ओके a³ रो जी, और इसके लिए वो है 5a/8। ठीक है सर, अपॉन इसकी W1 + W2 1/3 पाई a² h रो जी +2/3 पाई a³ रो जी, ठीक है सर। और मुझे वैल्यू जो चाहिए h की वैल्यू, थोड़ा इसको और सॉल्व कर ले तो सर मुझे जो वैल्यू मिलेगी एच की, यहाँ से जो एच की वैल्यू मैं लूँगा, और सर मैं इसमें से 1/3 दो, 1/3 ऊपर से कॉमन लूँगा, 1/3 पाई a² रो जी, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा आप, ठीक है। मतलब इसमें से कॉमन लेता हूँ ऊपर से, तो 1/3 पाई a² रो जी, ओके, और नीचे से भी डिनोमीटर से भी कॉमन लूँ मैं, तो 1/3 पाई a² रो जी, ओके। तो जो वैल्यू मुझे गेन होती है वो मुझे यहाँ से गेन हो जाएगी, और 1/3 ऊपर से कॉमन लिया तो 1/3 पाई a² h और रो जी πa² h रो जी कॉमन लिया अब, और दोनों से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब मुझे क्या, तो जो वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलती है मुझे H=, ये वैल्यू मुझे मिलेगी मुझे H a+H/4 +
1/3 कॉमनली है इसमें से, 2 4 जा 8, ओके 2 4 जा 8। नाउ यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी मुझे ये हो जाएगी 5a² / 4। 1/3 कॉमन, 1/3 πa² कॉमन लूंगा यहाँ से, a³ और a4 a² कॉमन लिया मैंने, ओके तो a² बचा मेरे पास, तो 5a² / 4 ये वैल्यू बची। अब नीचे से कॉमन, डिनोमिनेटर से कॉमन लेना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी मुझे 2a + h, ठीक है 2a + h, यहाँ पे h कॉमन बची ओनली, ये वैल्यू मिली मुझे। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कोई नहीं, अब क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर स्टेबल क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेबल होने चाहिए, स्टेबल होने के लिए जो हाइट होनी चाहिए कौन की, वो √3a होनी चाहिए, √3a। इसको मुझे प्रूफ करना है कि जो एच जो होगी कैपिटल एच वो ये होनी चाहिए, ओके ये प्रूफ करना था मुझे। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है फॉर स्टेबल के लिए, तो स्टेबल के लिए जो कंडीशन होती है 1/h < √1 + √2। रो मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर बॉडी या अपर बॉडी, √2 = लोअर बॉडी, या अपर बॉडी ले लो या लोअर बॉडी ले लो, ठीक है ना। रोवन, अब मुझे चाहिए रोवन की वैल्यू, रोवन सपोज कर रोवन इज रोवन अपर बॉडी, अपर बॉडी मतलब इस जो टचिंग पॉइंट है, पॉइंट जो कॉन्टैक्ट हो रही है उस वाली बॉडी की, तो इसके लिए ये हो जाएगी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ए √2 = ∞। सर इन्फिनिटी इसलिए हो जाएगी क्योंकि फ्लैट, मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जो फ्लैट सरफेस जो होते हैं, फ्लैट सरफेस के लिए हम √2 की जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो सर इन्फिनिटी लेते हैं, क्या लेते हैं इन्फिनिटी लेते हैं, √2 हो गया इन्फिनिटी। सर इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो ये मिल जाएगा 1/h, ठीक है सर ये मुझे मिल जाएगा, तो 1/h > 1/√2, ठीक है सर। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है सर इसको सॉल्व आउट करना है, ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 1/h, इसकी वैल्यू मुझे पुट करनी, h की वैल्यू हो गई, इसको सॉल्व करना है तो सर मुझे मिलेगा 2a + h, 2a + h / h ah + h² / 4 + 5a² / 4 > 1/a। इसको सर मैं सॉल्व करता हूँ आगे, ठीक है। तो सर मुझे जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी 8a + 4h / सर जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी और 4ah + h² + 5a² = 1/a। इसकी जो वैल्यू मुझे गेन करनी है अभी, तो ये ए का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 8a² + 4ah + h² + 5a², ठीक है सर ये वैल्यू मुझे मिल गई, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू मुझे मिलेगी h² + 5a² < 8a² तो सर h² की जो वैल्यू मुझे मुझे मिली ये मिली h² = h² < 3a² तो h² h < √3a। सर ये मुझे प्रूफ करना था कि जो मैक्सिमम जो हाइट होनी चाहिए वो सर ये होनी चाहिए, h < होनी चाहिए √3a, तो जो स्टेबल होगी तो वो कंडीशन कैसी होगी, स्टेबल के लिए होगी। सर ये मेरा सॉल्यूशन था, ये सर मुझे प्रूफ करना था यहाँ तक, ठीक है सर ये सर सॉल्यूशन है। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया ये जो क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है थैंक यू। तो सर एक क्वेश्चन हम आपके लिए लाए, ठीक है सर इस क्वेश्चन को जरा सेल्फ करके देखिए,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार रिपीट कर दिया हूँ। ए सॉलिड होमोजीनियस हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज ए सॉलिड राइट कॉन ऑफ द सेम सबस्टेंस कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ ए फिक्स्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैपिटल आर। द एक्सिस ऑफ द कॉन बिलोंग वर्टिकल सो दैट द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द कॉन कंसिस्टेंट विद स्टेबिलिटी फॉर ए स्मॉल रोलिंग डिस्प्लेसमेंट इज आर बाई आर प्लस आर ब्रैकेट √3r+r ब्रैकेट में और r-r -2r। यह प्रूफ करना है कि स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।